जय जय मानना देवी। तो आ चुके हैं कन्या ब्लॉग के साथ वापस। मेरे घर पे कोई नहीं था और आज ना मैं नहा धो भी लिया और मस्त डेनेवर लगा के रेडी हुआ है भाई। डेनेवर परफ्यूम लगाया तुम्हारे भाई ने, कल लेके आया था, न्यू वाला ग्रीन वाला लेके आया। पहले पहले गोल्डन वाला लगाता था गाइस डेनेवर, अब मैंने ग्रीन लगाना स्टार्ट कर दिया है। सुन के देख बढ़िया। और ये पता नहीं मैंने क्यों पहन लिए ये शर्ट, बहुत टाइम से रखी थी इसको, मैं पहनता नहीं था। आज ना मैं तुम्हें सेंडा नमक के बारे में कुछ बताऊंगा। सेंडा नमक ही बोलते हैं ना किसको, वो नमक करते हैं। अरे गाइस एक सेंडा नमक होता है, उसके उसका एक राज बताऊंगा तुम्हें, और डेयरी मिल्क और सेंडा नमक का कुछ बताऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहना लास्ट तक। जिसान भाई पे बहुत ज्यादा पैसे हैं, पैसे दिखाइए आपके, देखिए कितने सारे पैसे हैं, कितने हैं ये? 1200 रुपए हैं। चिल्लर पार्टी, तो पार्टी होगी हमारी, लो आपके पैसे ले लो। आज इसके पापा ने इतने पैसे, क्यों भाई मेरी बात सुन, आज इसके पास इतने पैसे आ कैसे गए? इसके पास इतने पैसे आज लेता क्यों भाई? किसके छीने? छीना नहीं, ट्रेड में। ट्रेड में जीता? ट्रेड में जीता, अकाउंट में ट्रांसफर करे जो भाई ने रोक दिया। आज मम्मी के छीने होंगे, कल पापा के छीने थे इसने पैसे, कल पापा के पैसे चोरी किया था, आज मम्मी के करके आया होगा। ऐसे ही है इसके काम, क्यों भाई? सही बात है, है ना, इतना गंदा है ना, इसने ये पूरी बोतल खुद ही पी ली, मेरे को एक 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 सिप नहीं लेने दिया। नहीं अम्मे नहीं पी रहा, अम नहीं पी रहा मैं, पूरी झूठी कर दी इसने, पूरी पी ली और बोतल एक सिप नहीं देने दिया दोस्तों, एक सिप। इतना भिखारी है ना, इतना सुअर आदमी है ना दोस्तों, बहुत गंदा इंसान है ये, बिल्कुल नवाबी चूता। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहा है? क्या बता क्या हुआ? चल भाई घूमने चले, चले घूमने चले, बाइक ले आया यार, यार इधर ही ले, मैं इधर ही मिलूंगा, शाम को चलेंगे 3-4 बजे आ जा। प्रोग्राम है मेरा पिछली बार इतना याद कर, वो ट्यू ट्यू मेट्रो, ठीक है रात को आई से एक बार हम। और ये तो सुनो समझे, आज रात में तो रखता है ना, मतलब रोज कितने बजे तक सोता तू? 2-3 बजे तक। हाँ तुम आ जाइयो कूद के 12-1 बजे। 12-1 बजे मस्ती करेंगे। अरे मेरी बात सुनो, गोड़ी से घूमी गाड़ी से कार से, आज सुबह तेरे को सब कार लेके आया था तू, मैं परेशान इसलिए नहीं कर रहा, इनके बैल चल जाएगा वो गाली बकेगा। मैंने चक्कर में तो फोन नहीं, कार से घूम रहा था आज सुबह सुबह तेरी कसम। तो एक बार पता क्या हुआ, हम 2-3 बजे पता नहीं हम कहाँ कहाँ घूमने चले गए थे पिछली बार, ये आज के दिन ही। आज क्या आया? जलसा होता है इन मुसलमानों में, तो अपन 12 निकल गए थे शायद। हम ना रात को 12 चले गए थे, जलसा था इनके, और मैं घर वालों को बना लगा के चला गया, दोस्त का प्रोग्राम है वहां जा रहे हैं, और हम 12 निकल गए इसकी गाड़ी से। उस टाइम क्या था कि इसको ना गाड़ी चलाने नहीं आती थी, उस टाइम इनमें मैं ही था सबसे बड़ा शूटर, तो बढ़िया भाई 120 पे लेके गया इसकी डिजायर, 120 पे आए, बढ़िया मजे किए उधर होटल में रुके। दोस्तों हम यहाँ से अपन गए थे 1 बजे के करीब, 1 बजे रात के 1 बजे गए, 1 बजे गए थे, मुझे मानो 2 बजने में कम से कम 10-15 मिनट की देरी होगी, इतने तेज गाड़ी चलाती थी गाइस, रेल बनाती थी गाड़ी की, शू शू हम सबको तो इतना डर लग रहा था, आज गया आज गया। 70-80 किलोमीटर हमने पता नहीं कब तय कर दिया, हमें पता नहीं चला 70-80 किलोमीटर दोस्तों पहुंच गए हम। उस दिन की तो रात अभी तक याद है मेरे को, उस दिन तो जो सोचा था हमने, पुलिस वाले पीछे पड़े थे ध्यान है, ओ पुलिस वाले पीछे पड़े भाई साहब, ऐसे मुस्कुरा रोज कैसे, हम तो ऐसे ही है, यूं कर रहा है यूं, हमने की क्या ऐसे जाएंगे हम तो, जाओ जाओ कहीं, कौन कौन लड़का है? मैंने सतनाम सिंह का, इसने बोला मैं जाकिर का, अच्छा वो ढाबे वाले, अच्छा वो ट्रैक्टर, हाँ मैं जानता हूँ ये वो प्लान नमकाना, हम निकल लिए वहां से रात के 3 बजे दोस्तों उस टाइम तो इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, डर पापा से नहीं लग रहा, डर इससे लग रहा था, मैं गाड़ी दोस्तों बहुत तेज चला रहा था मैं, इसलिए डर रहे थे ये सब। चलो खैर दोस्तों आपसे बातें करते करते मेरा फायदा हो गया, बता गाड़ी हाईएस्ट कितनी गई थी उस दिन? अरे वो रात में फुकरी मारता था 120 पे थी दोस्तों, ये पागल बना रहा, 120 पे गए थे, 120 पे आए थे उस टाइम, इतना अभी तो लग रहा भाई साहब आज के दिन तो मर गए गाइस, ब्रेकर पे भी गाड़ी मैंने स्लो नहीं की, पाच
कि आज तो मरे भाई, आज मरे, ऊपर वाला भी नहीं बचा पा रहा किसी। जाने कितनी दुकानों पे तो अपन ने 12 में कितनी दुकान पे गाड़ी रोकी, साले एक भी दुकान खुली नहीं मिली। एक बस चार टपरी मिली थी खुली, चार, एक ढाबा, चार टपरी और एक दुकान थी वो मिली थी, उस पे हमने सामान वगैरह लिया था खाने पीने को रात को ना। ध्यान है मेरे को। अभी इसको भूख लगी आई थी, देखना ये खाना लेके आए हम। देखिए क्या क्या है खाने में, दो पराठे और आलू की सब्जी जो कि मेरी मॉम बना के रख के गई थी। पर ये सुअर आ जाते ना, जब पता है कि जब दोस्त आ जाते ना मेरे को खाने को मिलता ही नहीं है कुछ, यही खा जाते हैं सब। और मेरी मॉम मेरे लिए बना के रख के गई होती है सब। तीन रोटी खाता हूँ मैं, तीन मम्मी मेरे लिए बना के रख गई थी, चार, एक पराठा तो खा लिया था मैंने पहले है, और एक रोटी, तीन पराठे और एक रोटी, और अभी ये खा रहा है। उसमें अभी झापट दी थी मैंने काफी जोर की, पाट। लात मार दूंगा कुत्ते। करेक्ट, सारा साफ कर गया, पूरी खा ली इसने पूरी सब्जी रोटी, फिर भी उसको चाट रहा है, प्लेट को चाट रहा है फिर भी। देखो देखना अब अपन कहाँ जा रहे हैं घूमने, सऊदी अरब, दुबई। दुबई अभी थोड़ी ना जाएंगे, दुबई एक या दो महीने बाद जाएंगे, अभी कहाँ जा रहे हैं हाल फिलहाल। अभी हाल फिलहाल चल रहा है बाजार से, वैशाली जा रहा है बाजार। क्या करने जा रहा है बाजार में, क्या खिलाएगा? वैशाली जा रहा है, खाना खिलाएगा ना, क्या खिलवाएगा ये बता पहले। मदन दादा की दाल बाटी खिलवाया? नहीं नहीं, सही सही बता, क्या खिलवाएगा? आलू की सब्जी। नहीं, सच सच बता, मैं पहले खाऊंगा। टिकिया पियेंगे सबसे पहले, टिकिया पिलाएगा। देखिए दोस्तों हमारी जो शाइन है, कौन सी है, लिवो, लिवो शाइन, लिवो के जो हमारी फन पनाती हुई जा रही है, जैसे मैं इनको टिकिया पिला रहा हूँ, इनको टिकिया पिलाने लाया हूँ मैं यहाँ। क्या हुआ भाई इसको, क्या हुआ ये पिंक शर्ट वाले को, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था कैमरे को देख के, असर आता ना। मैं अभी अपनी टिकिया का वेट कर रहा हूँ भाई, गंदी खिला दो, मेरे से रहा नहीं जा रहा। हे भाई देखो टिकिया आ चुकी है, ये देखो इसको यूं पकड़ो, वाट टेस्ट दोस्तों, कितनी टेस्टी है ना। जसान भाई का वो बन रहा है क्या, ढाबा होटल बन रहा है, इसमें बार निकलेगा, डिस्को निकलवाएगा ना बार, गुच्छ गुच्छ करने वाला है, सही बता। बाय, इसको हमने घर पे उतार दिया है क्योंकि ये किसी फंक्शन में जाएगा, नहाएगा, ये नहा के नहीं आया था, किसी फंक्शन में जा रहा है ये आज। कहाँ जा रहा है? वहां पे जलसे में, जलसे में। डेरी मिल्क दे दो 20 वाली, बताइए ना। चल घर चल, मुझे बताना ये बात सच्चे है कि नहीं है। अभी दोस्तों देखो, सेंधा नमक तो ही बदनाम है, असली मजा तो डेरी मिल्क में आता है। डेरी मिल्क भाई, ये बताओ सेंधा नमक में ज्यादा मजा आता है कि डेरी मिल्क में? आई लाइक डेरी मिल्क, तो मुझे पता नहीं है किस में ज्यादा मजा आता है, इनसे पूछ रहा हूँ मैं। तो मैंने तो सेंधा नमक की केवल रील्स देखी है, वो मीम आते हैं जो, और मेरे को बाकी कुछ भी पता नहीं है सेंधा नमक क्या होता है, जो खाते हैं वो नमक होता है या कुछ अलग से आता है, मेरे को पता नहीं है। मैं तो वो रील्स पे जो मीम वगैरह देखता रहता ना, उनको देख के बोल रहा हूँ उठा गया है सेंधा नमक, करते क्या है इसका, तो करते हैं इसका सेंधे नमक का, मुझे कमेंट में बताना। चॉकलेट में मुझे केवल डेरी मिल्क बहुत ज्यादा पसंद है, और दूसरे नंबर पे किटकैट, माय फेवरेट गाइस। जब मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं होगा ना, लिटरली बीमार हो रहा हूँ जहाँ कुछ भी हो रहा है मेरे को, पर ये दो चीज़ अगर दिख गई ना, इनको खाऊंगा, भले खाना नहीं खाऊंगा, पर चॉकलेट, चॉकलेट में अगर डेरी मिल्क हो या किटकैट, डेरी मिल्क या किटकैट हुई ना अगर चॉकलेट में, तो मैं जरूर खाऊंगा। ये गद्दार दोस्त केले खा रहा है और हमें नहीं खिला रहा, और मुंह अलग से छुपा रहा है, देखा ना तेरी कितनी अच्छी शकल है। अरमान मत तोड़, अरमान अरमान ले बंद कर लिया पकड़ा गए। सेंधा नमक की जगह अब यूज करेंगे हम बादाम शेक। सेंधा नमक मुझे पता नहीं ये क्या है, सेंधा नमक, सेंधा नमक होता क्या है, क्यों? हाँ यार बता तो सही, डेरी मिल्क वाला सेंधा नमक केसर नमक बता तो दे। अरमान भाई को पता है सेंधा नमक? राजू इधर देख, इधर देख, इधर पॉपकॉर्न टी शर्ट, पॉपकॉर्न टी शर्ट। राजू ये बता मेरे को, सेंधा नमक क्या होता है?
सेंधा नमक यानी क्या होता है? कुछ तो दोस्तों गड़बड़ है सेंधे नमक में, जरूर गड़बड़ है सेंधे नमक। हाँ यार पूछ लिया तो बता सो सेंधा नमक डेरी मिल्क का वो करना पड़ेगा कारण मारा लगा कर रहा है, ये बता तो दे हमें तो बता दे राजू भाई। भाई बोलना एक बार भाई, ये भाई साहब पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं, इनकी भाषा सुनाओ तो बोलना भाई साहब कुछ। विजय ने बॉस महीना विजय ने बॉस महीना खुश मीना खुश मैंने भाई बन रहे काम बना काम करने के नहीं खानी। ओ भाई भाई क्या कह रहा हूँ गाइस, हम बोलते हैं क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है ये, ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोल रहा है ये इंसान, ये बोलता है क्या कह रहा है इसने ना, इसने ना इसकी लैंग्वेज में बात करी इसकी भाषा में तो ये स्टाइल में इसकी पोजीशन तो देखो क्या कह रहा है कैसे कैसे एक बार कहा कह रहा हूँ दोस्तों देखो हम तो ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा नहीं उसने कुछ बोला वैसे से तो ये ऐसे नहीं बोला कि क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोला कहा कह रहा है कहा मगर पकड़ लिया क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा हूँ देख रही हूँ अंग्रेज जानता ही नहीं अंग्रेज का कॉल ड्रिंक नहीं करवाई होती नवाब फिसल फिसल के कमरे में जिम में जो कहा कह रहा है ये कहने वाला। अरे एक बार कर दे भाई तरुण एक बार कर दे सलमान से, क्या कह खा रहा है बोई वाली बात है देख बोई वाली डर रहा क्या डर रहा कर रहा हुआ है कर रहा हुआ भैया जो कह रहा कहा खा रहा हुआ ऐसे अरे पुदीना की नहीं बिल ओए नहीं पुदीना की नहीं चौक होगी कह जी बात हाथ मार मत लगा ये देखो दोस्तों कैसे सूरों की तरह खा रहे हैं मतलब कैसे पागलों की तरह खा रहे हैं देखो और मैं बेचारा इकलौता बेचारा मैं खाली गिलास पकड़ा दिया इस दाऊजी ने तूने अभी खाया है पूरा फालूदा ना अंकल अंकल भाई अंकल भाई अंकल बना दिया भाई को टाइम से अंकल यानी ये अंकल हुआ अपने अंकल ही लगते हैं यार वैसे सही बताओ तो मेरे मॉडल सामने तो अंकल ही क्या करूंगा थोड़ी सी एक बालूदा लगा दो उधार नहीं कर रहे हो भाई मेरे वो मेरे दोस्त एक भी वीडियो नहीं डालते जो वाले मध्य बोल देते यार मैं जब मैंने खाता तेरी कसम यार ये बंद कर रहे डॉक्टर हां भाई ये डॉक्टर ने वो ही देखो गोल गोल अंडे से पहले से हां बोल ही देंगे 7 करोड़ के तो फिर क्या बोलते हैं बता बोल के बता दे अमेरिकन और राजबुक हां दोस्तों अपनी आ चुका है अपना फालूदा आ चुका है रेडी होकर मेरा अरे तो ये तो मैं खिलाऊंगा पूरा रुख मेरा अकेले का भाई मैं झूठा नहीं खाता बस बस नहीं और बनवा ले मैंने
सुबह पैसे मैं कटा जाऊंगा भले नहीं बने घर पे से पट गया लूदा। ये देख इधर देख इधर माँ की जली देख इधर देख तो तेरी भी जली ना बेटा जल रही है भाई इसकी। गाइस काफी ज्यादा टेस्टी है ये फालूदा हमारा। जब भी आओ आप देवरी तो ये आपको हाईवे पे मिल जाएंगे और शाम को बस स्टैंड पे। ये रहे इनकी शॉप चलती फिरती दुकान। इन भाई साहब की नाम बताइए आपका। राजू। जितने व्यूअर्स हैं सब आओ। रात को अर्जुन आया हुआ है मेरे घर। ये देखो क्या करने आये बाबू आप। अपन अपने चाचा की और तेरे भैया की शादी की पार्टी का प्लानिंग कर रहे हैं। इसके चाचा जानी की मेरे भैया उसकी पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके पापा जी और मेरे पापा जी। अरे बाप तो जबरदस्ती मुझे निकलता है यार। और वो रहा हमारा बेटा शेरा। बेबी ओ यस क्या कर रहे हो आप। है ना इसके पापा और मेरे पापा प्लान चौपट कर रहे हैं। उल्टा हमें यहाँ शादी करनी है वो उधर शादी करनी है। हमें यहाँ शादी करनी है चाचा की शादी करवानी नहीं है। चले फिर अपन हाँ चले अपन कोटा निकल ले टाइम से। तो दोस्तों चलो आपसे कोटा मिलेंगे। बाय बाय।